नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। रामनवमी का पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर खुरीमहुआ अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो, अनुमंडल क्षेत्र के बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी, चिकित्सा प्रभारी, विद्युत अभियंता, जनप्रतिनिधि समेत कई गणमान्य व अखाड़ा कमेटी के सदस्य मौजूद थे। इस दौरान एसडीएम ने लोगों से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी भाईचारे के साथ रामनवमी त्यौहार को मनाने की अपील की। कहा कि जुलूस में 100 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे तथा अखाड़ा मिलन स्थल पर 1000 से अधिक लोगों का जुटान नहीं होगा। कहा कि अखाड़ा जुलूस का समापन शाम 6 बजे तक हर हाल में कर देना है तथा जुलूस का जो निर्धारित मार्ग है उसी मार्ग का प्रयोग करना है। वही डीजे, प्री रिकॉर्डिंग, गीत व गाने तथा शराब पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा व मेले का आयोजन नहीं होगा। इस क्रम में एसडीपीओ ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ भी आपत्तिजनक पोस्ट किया गया तो पोस्ट करने वालों के साथ साथ ग्रुप एडमिन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ शरारती तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। वही किसी तरह की गड़बड़ी की सूचना मिलती है तो अविलंब प्रशासन को इसकी सूचना करें। इस क्रम में बैठक में उपस्थित लोगों ने भी बारी बारी से अपने सुझाव रखे और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाने का भरोसा दिया। रामनवमी को लेकर अभी अनुमंडल स्तरीय बैठक की गई है ताकि शांति रामनवमी का पर्व मनाया जा सके। हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, क्षेत्र के दोनों इंस्पेक्टर साहब, सभी थाना प्रभारी और गणमान्य लोग उपस्थित थे, जिनके माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया गया कि सभी लोग रामनवमी का पर्व शांतिमय मनाएं। और साथ में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, पुलिस की प्रतिनियुक्ति रहेगी, जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि किसी तरह की दिक्कत नहीं। अतः सभी से अनुरोध होगा कि रामनवमी पर्व को बेहतर ढंग से मनाएं और किसी भी तरह से रूट का, टाइम का अनुपालन अवश्य। आज अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक रामनवमी को देखते हुए और जो रमजान का महीना चल रहा है उसको देखते हुए एसडीएम साहब के अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर और क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस बैठक में जो कोविड को देखते हुए झारखंड सरकार का जो दिशा निर्देश है उसको सभी को बताया गया और किस तरह से कितनी भीड़ लाना है और जो टाइमिंग है उसको सभी को बताया गया। मैं आप लोगों के माध्यम से पूरा अनुमंडल में जो भी रामनवमी अखाड़ा है सभी को ये इस आदेश का पालन करने के लिए आप लोगों के माध्यम से निर्देश देना चाहता हूं। और मैं तैयारी की बात एक पूरे क्षेत्र में हम लोग का एक अलग से दस्ता का गठन किया गया है जो सिविल में रहेंगे और ड्रोन कैमरा से नज़र रखी जाएगी। स्टील कैमरा और वीडियोग्राफी भी हो रही है। कई जगह जो है वॉच टावर बनाया गया है और शराब, जो अवैध शराब को लेकर लगातार छापामारी चल रही है और लगातार इस पर टीम गठित करके जहां भी अवैध शराब का संचालन चल रहा है उनके विरुद्ध कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं।